मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी और कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी ने FIR दर्ज करा दी है। बीजेपी के नेताओं ने प्रियंका गांधी और कमलनाथ की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें झूठी खबर फैलाने और छवि खराब करने का आरोप लगा है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में आरोपों का सिलसिला सियासत में तेजी पर है। विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमला करता रहता है, वार पलटवार का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस पर बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। भाजपा नेताओं ने प्रियंका गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। प्रियंका ने कुछ दिन पहले ये दावा किया था कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के समूह ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है और उन्हें 50% कमीशन देने के बाद ही भुगतान मिलता है। बस इसी वायरल पोस्ट को प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। नीमेश पाठक का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने झूठे आरोप वाले भ्रामक पोस्ट साझा कर प्रदेश सरकार और भाजपा की छवि को चोट पहुंचाई है। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका के इन आरोपों पर सबूत मांगा है और कहा कि भाजपा के पास कानूनी कार्रवाई करने के सारे विकल्प खुले हैं। वहीं शिवराज सिंह ने कहा कि विपक्ष सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि वो सिद्ध करेगी कि भाजपा के नेतृत्व वाली ये सरकार भ्रष्ट है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।